आपने कभी स्वयं वधू सुना है नहीं सुना ना स्वयंवर ही होता है स्वयंवर ही आपने सुना जय श्री राम दोस्तों तो जो लोग मेरे सनातन धर्म के हिंदू भाई बहन है वही इस वीडियो को देखें बाकी स्किप करके चले जाएं क्योंकि जो सनातन धर्म से नहीं है वो मेरी इस बात को समझेंगे भी नहीं आपने कभी स्वयं वधू सुना है नहीं सुना ना स्वयंवर ही होता है स्वयंवर ही आपने सुना है स्वयंवर क्यों होता है क्योंकि महिलाओं को पुरुषों से ऊपर हमेशा से रखा गया है पहले के पुरुष महिलाओं को से ज़्यादा समझते थे आप देखिए अंजनी पुत्र यशोदा नंदन देवी की नंदन और गंगा पुत्र तो पहले के लोग शादी से पहले अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे ऐसा नहीं होता था कि माय नेम इज अजय गुप्ता सन ऑफ राजीव गुप्ता उस समय उर्मिला पुत्र अजय गुप्ता होता था और यही लोग शादी के बाद अपनी पत्नियों के नाम से जाने जाते थे जैसे कि गौरी शंकर राधे श्याम लक्ष्मी नारायण शिया तो इन सब में पहले पत्नी का नाम पहले आता था यानी कि पहले माँ के नाम से जाने जाते थे और बाद में अपनी पत्नियों के नाम से जाने जाते थे मतलब महिलाओं को शुरू से आगे रखने का कल्चर है तो जो समझना चाहेंगे वो इस बात से समझ जाएंगे कि ना तो पर्दा प्रथा हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है और ना ही जो ये लोग बोल देते हैं बहुत लोगों को मैंने सुना है ये बोलते हुए कि आजकल की लड़कियां आजकल की महिलाएं संस्कारों को नहीं मानती हैं तो संस्कार है क्या कि आप पुरुषों से झुक के चलिए या पुरुषों के पीछे चलिए या पुरुष जो कहेगा वो आप करेंगी ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ उचित है पूरा में में तो अधिकार है दोस्तों मैं संस्कारों का विरोध बिल्कुल भी नहीं करती हूँ संस्कार तो हमारे सनातन धर्म में कूट कूट के भरे हुए है तो दोस्तों मैं संस्कारों का विरोध नहीं करती हूँ बल्कि कुरीतियों का जो कुरूतियाँ हैं और हमें बताया जाता है ये हमारा संस्कार है मैं उनका विरोध बिल्कुल करती हूँ तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिखें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो शेयर जरूर करें धन्यवाद